आदाब, ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे किसानों और मजदूरों की। आज मुल्क भर से आए करीब 4 लाख किसान और मजदूर मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में जमा हुए। अपने तमाम तरह के मुतालबात को लेकर किसान बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने मुल्क की हुकूमत से कई सवाल किए और अपनी बदहाली पर नाराजगी भी जताई। हुकूमत से सवाल करना लाजमी भी है, आखिर क्यों मुल्क का किसान और मजदूर अपनी बदहाली और मुतालबात को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि किसानों की फलाह बहबूदी की बातें करने वाली तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियां और कई किसान तंजीमें होने के बावजूद भी अन्नदाता इतना परेशान क्यों है। ग्राउंड जीरो में बात किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों की करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं इस एहतजाज के पीछे कोई सियासत तो नहीं छुपी हुई है। समझेंगे इस आंदोलन के हर पहलू को। मुल्क की अलग अलग रियासतों से करीब 4 लाख किसान और मजदूरों के दिल्ली पहुंचने से आज दिल्ली ठहरी सी नजर आई। महंगाई पर लगाम लगाने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाफिज करने और कर्ज माफी जैसे तमाम बड़े मुतालबात को लेकर मुल्क भर के किसान और मजदूर दिल्ली में जमा हुए। इस दौरान मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर हुई। किसानों और मजदूरों की ये नाराजगी और सरकार के खिलाफ होती नारेबाजी मुल्क की हुकूमत जमात के कान खड़े करने वाली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के किसानों और मजदूरों ने बड़ी तादाद में जमा होकर सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने मुतालबात से उसे आगाह किया। हमारे 84 संगठन एक साथ मिलकर के ये आंदोलन लड़ रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि किसान का पूरा कर्जा माफ करो, नौजवानों को रोजगार दो, हाउसिंग दो, स्वामीनाथन आयोग लागू करो। दो चार मांगे लेके आई हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। 2011 में मानदंड 33 रुपए बढ़ा, 33 रुपए, ओनली 33 रुपए। आज हम उसी 33 रुपए पे काम कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों ने अपने इस मार्च में मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और इस दौरान किसानों और मजदूरों ने मोदी हटाओ देश बचाओ तक के नारे लगाते हुए मोदी सरकार को किसान मुखालिफ करार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि हम सरकार को हटाने के लिए ही मुत्तहिद हुए हैं। हम इसलिए आए हैं कि मोदी सरकार ने बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए और वादे किए थे कि मैं आम जनता के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाऊंगा, काला धन वापिस आएगा, पशुधन को मैं बिल्कुल एक जज्बे के साथ ठीक करूंगा और मैं लाभकारी मूल्य दूंगा, स्वामीनाथन आयोग को लागू करूंगा। कुछ नहीं किया, हमें धोखा दिया। इसलिए आज पूरे देश के मजदूर, किसान, व्यापारी सब यहाँ आए हैं और ये अपनी मांग रख रहे हैं कि किसानों के कर्जा हो गया। कई घोषणाएं करी, उसमें सब में धोखा दे रहा है। अब अनाज की रेट किए बढ़ाई है इसने, लेकिन वो भी फिड़का है। बढ़ाने के लिए इधर तो घोषणा कर दी लेकिन वहां लागू नहीं है, तो ये तो धोखे पट्टी है, हर चीज का धोखा है। वहीं मगधी बंगाल से आए किसानों ने ममता बनर्जी के खिलाफ भी नारेबाजी की। किसानों ने मार्च के दौरान मोदी ममता को एक बताया। सरकार के खिलाफ रैली हो और उसमें सियासी रंग ना दिखे, ये कैसे मुमकिन है। किसानों की रैली में पहुंचे सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आवाम के अंदर काफी गुस्सा है, सरकार ने आवाम को धोखा दिया है। येचुरी ने कहा कि अब अच्छे दिन तभी आएंगे जब ये सरकार जाएगी। मांगे तो बहुत साफ है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, वो अन्नदाता है देश का, वो पैदा करता तभी तो हम खाते हैं। अब उसी को मरवाने की ओर अगर ले जा रही है सरकार तो इसको दुरुस्त करना है। कैसे हो सकता है, एक न्यूनतम दाम दो, आपने वादा किया, खर्चा कितना होगा आपके उत्पादन का, उसका 1.5 गुना दोगे, उससे मुकर गए, 4 साल हो गए, आपने वादा किया एक बार कर्ज माफी करेंगे, नहीं उल्टा आप कर्ज माफी कर रहे हो बड़े बड़े पूंजीपतियों को और अपने दोस्तों को जो पैसे लेकर लूट कर विदेश चले गए और कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। यानी अपने देश के अन्नदाताओं को बचाने के लिए सरकार ये कदम नहीं उठा रही। किसान मजदूर संघर्ष रैली का इनेकाद सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने किया, जिसे भारतीय किसान महासभा,
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और ट्रेड यूनियन का भी ताउन हासिल था। लेकिन किसानों के इस एहतजाज को सियासी मफाद साधने के एंगल से भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। किसानों और मजदूरों के एहतजाज को सियासी एंगल से तो आपने देख लिया, लेकिन आज के एहतजाज में बात सिर्फ किसानों की ही नहीं थी, बल्कि यहां मजदूरों और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के मुद्दे पर भी कई सवाल उठाए गए। देखा जाए तो आज मरकजी हुकूमत के सामने जितनी भी मुतालबात उसके सामने रखे गए, असल में वो सब बातें आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत को इन मुतालबात पर जरूर गौर व फिक्र करना चाहिए। महंगाई, मिनिमम वेजेस, कर्ज माफी और दूसरे तमाम बड़े इश्यूज को लेकर के मुल्क भर के किसानों ने आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। किसानों का मार्च रामलीला मैदान से शुरू होकर के संसद मार्ग तक पहुंचा, जिसमें पूरे मुल्क से आए किसान यकजा हुए। यहां तक कि सैलाब मुतासिर केरल से भी बड़ी तादाद में किसान एहतजाज में पहुंचे, जिन्होंने बेहद अहम मुतालबात सामने रखे। किसानों और मजदूरों के मुतालबात को तफसील से देखें तो पता चलता है कि मुल्क का ये बड़ा तबका सरकार से कितनी आस लगाए बैठा है। किसानों और मजदूरों के मुतालबात की बात करें तो उनकी मांग है कि रोज बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाई जाए, फूड सप्लाई प्रोसेस के निजाम को ठीक किया जाए, मौजूदा नस्ल को बेहतर रोजगार फराहम कराया जाए, अनस्किल्ड मजदूरों का मिनिमम वेज 18,000 रुपए फी माह किया जाए, मजदूरों के लिए बने कानून में मजदूर मुखालिफ बदलाव ना किए जाए, किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशात नाफिज की जाए, किसानों को फसल की लागत से 50% ज्यादा दाम मिले, गरीब खेती मजदूर और किसानों का कर्ज माफ किया जाए, खेती में लगे मजदूरों के लिए एक बेहतर कानून बनाया जाए, हर देही इलाके में मनरेगा को ठीक तरीके से नाफिज किया जाए, फूड सिक्योरिटी, तिब्बी, तालीमी और घर की सहूलियात फराहम कराई जाए, मजदूरों को ठेकेदारी रवायत से राहत दिलाई जाए, जमीन अलॉट के नाम पर किसानों से जबरन उनकी जमीन ना छीनी जाए, कुदरती आफत से मुतासिर गरीबों को बेहतर राहत मिले, किसानों को C2 लागतों पर MSP दी जाए, साथ ही बगैर जमीन वाले किसानों के लिए जमीन और बेहतर कीमतों पर मिले, खराब हो चुके फूड सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को उसी मकाम पर पक्का किया जाए। मुतालबात में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को कम करने का भी मुतालबा रखा गया। वहीं बात ये भी कही गई कि घरेलू कामगारों की समाजी हिफाजत के लिए कानून बने, गैर मुनज्जम शोबे का सर्वे कर लाइसेंस और समाजी हिफाजत दी जाए, झुग्गी, मजदूर बस्तियों और गांवों में बुनियादी सहूलियात दी जाए। अंदाजा लगाइए कि ये मुतालबात मुल्क के एक बड़े पसमानदा तबके को समेटते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में आए किसानों को ये अंदाजा है कि उनके मुतालबात दरअसल हैं क्या? दरअसल किसानों में से कई ऐसे भी नजर आए जो ये तक नहीं जानते थे कि रैली में क्या करने आए हैं। ऐसे में इन किसानों को परेशान कहा जाए या फिर अनजान, ये बड़ा सवाल है। और ये इसलिए भी सामने खड़ा होता है क्योंकि किसान तंजीमें किसी न किसी पार्टी से या तो वाबस्ता होती हैं या फिर उनका उन पर असर होता है, लेकिन यही तंजीमें कभी किसानों के खुदकुशी पर नहीं सामने आती और ना ही किसानों की बदहाली पर सवाल उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। आज मुल्क का किसान और मजदूर परेशान होकर सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हुआ? दरअसल मोटे तौर पर इसके दो पहलू सामने आते हैं। एक तो ये कि किसानों और मजदूरों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करके अपोजिशन अपना सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा ये कि किसान और मजदूर सचमुच परेशान हैं। इन दोनों पहलुओं को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात सियासी मफाद साधने की करेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि मुल्क की कोई भी सियासी पार्टी नहीं है जिसका अलग से कोई किसान मोर्चा ना हो, लेकिन क्या ये पार्टियां किसानों को उनका हक दिलाने का काम करती हैं? जवाब है नहीं। असल में इन किसान मोर्चों को हर सियासी पार्टी मौके की नजाकत के हिसाब से एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो किसानों की परेशानियों की लंबी फहरिस्त तैयार करती है और बड़ी तादाद में किसानों को इकट्ठा करके उसके जरिए
हुकूमत को घेरने की और किसानों के मुखालिफ होने की मतलब जो है कोशिश करती है और बताने की कोशिश करती है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो किसानों की मुखालफत में काम कर रही है, उनके मुखालिफ है। और जब वही पार्टी इकतदार में आती है तो किसानों के इस तरह से जो है वो एहतजाज को, जो जब भी एहतजाज ऐसे होते हैं तो ऐसे एहतजाज को दबाने की कोशिश करती है या फिर उन्हें यह समझाने की कोशिश करती है कि वो ही किसानों की सबसे बड़ी हमदर्द पार्टी है। ऐसा करने के लिए ये पार्टियां अक्सर अपने अपने किसान मोर्चों का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, यानी किसान की जो बेहतरी है और उनकी फलाह के लिए बनाए गए ये किसान मोर्चे असल में अपनी सियासी पार्टियों के मफाद को साधने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। मोटे तौर पर ये किसान लीडर ग्राउंड पर जाकर किसानों को जो है वो जो सरकारी स्कीमें हैं उनका फायदा हासिल करने को लेकर बेदार करने की बजाय अपनी सियासी जो है रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करते हैं। और अब बात करेंगे किसानों मजदूरों की असल परेशानियों की। दरअसल किसानों को हमेशा से ही वोट बैंक के तौर पर देखा गया, उनके लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते रहे, कई सारी स्कीमें भी उनके लिए लॉन्च की जाती हैं, लेकिन न तो जमीन पर उनके निफाज पर संजीदगी से काम किया जाता है या संजीदगी बरती जाती है और ना ही गलत निफाज करने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बात अगर मौजूदा हुकूमत की करें तो मौजूदा हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफ करने, फसलों का MSP बढ़ाने और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई तो उससे पहले किसानों की कर्ज माफी के कई वादे किए थे और कहा था कि किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने पहली कैबिनेट बैठक में कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया था, इसके लिए 36,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए थे, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी बड़ी तादाद में किसान आज भी कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। बात अगर MSP की करें तो उसके इजाफे की करें तो मरकजी हुकूमत ने हाल ही में खरीफ की 14 फसलों की जो है वो MSP बढ़ा दी थी, उसमें इजाफा किया था। धान की MSP में 200 रुपए फी क्विंटल बढ़ाए गए थे। मरकज को असल में तो जो फसल की C2 लागत की MSP बढ़ानी चाहिए थी, यानी एक ये टर्म है C2, उसकी लागत की जो है MSP बढ़ानी थी, लेकिन हुकूमत ने बढ़ाई A2 प्लस SL लागत की MSP। अगर हुकूमत C2 लागत पर MSP बढ़ाती तो किसानों को ज्यादा फायदा होता, लेकिन सरकार ने या कहा जाए हुकूमत ने बड़ी चालाकी से ऐसा नहीं किया। और जहां तक बात 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की है तो हो सकता है कि हुकूमत के पास कोई रॉकेट साइंस हो जिसके सहारे वो ऐसा कर सकने में कामयाबी हासिल कर सके, लेकिन जमीनी हकीकत को देखें तो मौजूदा दौर में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी पिछली हुकूमत के दौर के मुकाबले आधा रह गया है, आधे पर आ गया है। पिछली हुकूमत के वक्त में एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो 5% के आसपास था, लेकिन मौजूदा वक्त में ये घटकर करीब 2.5% पर पहुंच गया है। ये सब जानने और समझने के बाद ये अंदाजा लगाना जो है मुश्किल नहीं है कि जो सियासतदान हैं वो उन्हें अपने वोट बैंक की तो फिक्र है, अपने वोट बैंक की तो वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसानों और मजदूरों की उन्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है और वो आंकड़े में जाकर उनको हमेशा रखना चाहते हैं।